Tiny Tales with Priyanka. माँ, माँ, बाहर आओ जल्दी, जल्दी आओ ना माँ। अरे किट्टू, क्या हुआ? माँ, बाहर जल्दी आओ ना, देखो ना, एक गाय मेरे सामने बेहोश हो गई। जल्दी चलो। अरे, कहाँ? घर के बाहर माँ, जल्दी आओ ना। अरे, चलो चलो चलो, जल्दी चलो बेटा। अरे क्या हुआ इसे? मैं जल्दी से जल्दी वेट को कॉल करती हूँ। अब जब तक डॉक्टर नहीं आते, हम इसे यहाँ पे छांव में ही रखते हैं। ठीक है माँ। डॉक्टर देखिए ना, ये गाय अचानक से बेहोश हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा बेटा स्कूल से आते ही मुझे यहाँ बुला ले आया। ठीक है, जरा इसका पल्स चेक कर लूं। हाँ डॉक्टर प्लीज, देखो ना ये गाय को क्या हो गया। बेटा, इतनी तपती धूप में ये बहुत देर से बाहर घूम रही थी, जिसके वजह से इसके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ कूड़ेदान से इसने कई सारी प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रखी हैं, जिसके वजह से इसके पेट में भी गड़बड़ हो गई है, जो इसके लीवर और लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है। और बाहर धूप देखो, टेम्परेचर तो इतना ज्यादा है, तबीयत खराब होना तो लाजमी है। तो डॉक्टर आंटी, अभी हम क्या करेंगे? क्या ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी? नहीं बेटा, मैं तो इसे दवाई और इंजेक्शन दोनों दे रही हूँ, ये दो दिन में ठीक हो जाएगी। पर हाँ, हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसे दो दिन तक पानी और खाना सही टाइम पर मिले। और हाँ, इसे ऐसे ही रास्ते के किनारे हम छोड़ नहीं सकते, इसे हमें एक शेल्टर हाउस में भेजना बहुत जरूरी है। डॉक्टर थैंक यू सो वेरी मच, आप शेल्टर हाउस की फिक्र ना करें, मैं इसे सही सलामत वहाँ भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तो माँ, क्या ये गाय को हम अपने घर नहीं रख सकते? नहीं बेटा, हम गाय को अपने घर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा घर तो छोटा है, वो कैसे रहेगी। मैं अभी एक शेल्टर हाउस में फोन करती हूँ, जहाँ से वो लोग आएंगे और इस बेचारी गाय को ले जाएंगे, और स्वस्थ और तंदुरुस्त होते ही उसे छोड़ देंगे वापस। ये, थैंक यू मामी, थैंक यू डॉक्टर आंटी। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कम से कम प्लास्टिक की थैलियों का यूज करना चाहिए, और उसे इधर उधर रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो मासूम होते हैं और उन्हें ये पता नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं। ऐसी और भी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव कहानी के लिए सुनते रहिए टाइनी टेल्स मेरे यानी प्रियंका के साथ friendsdigital.com पर।